अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो CS 201 के हमने 100 MCQs करने हैं विद प्रूफ के साथ, ठीक है, आपको लेक्चर नंबर भी बताएंगे, आप वहां पे भी जाके ये MCQs के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। तो 100 MCQs इंशाल्लाह करेंगे और काफ़ी ज़्यादा पेपर मीटर में इन्वॉल्व होगा इन 100 MCQs में से। और इसमें ये है कि हमने पेज नंबर भी लिखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर पेज नंबर तक लिखे हुए हैं, ठीक है, वो भी पेज नंबर लेक्चर नंबर देख सकते हैं वहाँ से भी आप लोग, ठीक है। इसके बाद टू एस कम्प्लीमेंट्स ऑफ द बैनिंग नंबर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय, तो टू एस का यानी कि टू एस नहीं बल्कि टू का कम्प्लीमेंट जो है हमने करना है, तो क्या आएगा, एडिंग्स वन टू वन कम्प्लीमेंट्स है, एडिंग वन टू वन आपका कम्प्लीमेंट्स। लेक्चर नंबर टू के अंदर इसका आंसर देख सकते हैं। सम ऑफ विड्थ्स मेथड इज यूज, तो ये किसके लिए यूज होता है सम ऑफ विड्थ्स, तो द कन्वर्ट फॉर्म वन नंबर सिस्टम्स टू एन अदर के लिए हम यूज करते हैं। क्या करते हैं, टू कन्वर्ट फॉर्म वन नंबर के लिए, ठीक है, टू एन अदर सिस्टम के लिए, ठीक है, वन और अदर सिस्टम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। लेक्चर नंबर टू के अंदर आप देख सकते हैं, दी कम्प्लीमेंट्स ऑफ द वेरिएबल ऑलवेज, तो कम्प्लीमेंट वेरिएबल का हमेशा अगर आप देखते हैं हमेशा के लिए तो ऑलवेज, तो फिर क्या करना है आपने, तो हम देखेंगे तो फिर इनवर्स ऑफ द वेरिएबल, ये करेक्ट आंसर है। और लेक्चर नंबर टू के अंदर आप देख सकते हैं इन्वर्स लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, द डिफरेंस जो इनके दरमियान है, उसके बाद जीरो वन वन एंड जीरो जीरो वन इक्वल किसके बराबर होगा, 11 0, जब आप इसको जमा करेंगे, देखें वन वन जमा करेंगे जीरो आ जाएगा, 101 101, इनके दरमियान डिफरेंस जो है आपका जो आएगा 11 0 आपका। लेक्चर नंबर टू के अंदर आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद अनसाइंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस कैन बी रिप्रेजेंट पोजिशन बाइनरी नंबर, तो ये ट्रू है और इसको बाइनरी अनसाइंड जब करते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस, तो कैन बी रिप्रेजेंट जो पॉजिटिव सॉरी पोजिशंस हैं, पॉजिटिव बाइनरी नंबर्स हैं, तो देखते हैं उसकी पोजिशन जो है पॉजिटिव बाइनरी नंबर की तरफ होगी, तो फिर ये है कि आपका ये ट्रू है। अगर नेगेटिव की तरफ होती है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये याद रखना है, पॉजिटिव की तरफ है, आपने ये बात को जेन में रखना है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर टू के अंदर देख सकते हैं, विच इज़ द फॉलोइंग स्टेट्स, आपने स्टेट देखनी है किसकी, वन आप लोगों की क्या है इनपुट है एंड गेट के अंदर, और ऑलवेज दी आउटपुट, और ऑलवेज हमेशा के लिए दी आपकी दी आउटपुट, दी आउटपुट इज इक्वल एन अदर आउटपुट, तो फिर क्या होगा, तो आपने ये लेक्चर पढ़ा होगा, आपको बताते हैं लेक्चर नंबर टू, इसमें आप लोगों की ये कुछ प्रॉपर्टी दी गई हैं, ये देख लेना है, ए डॉट ए ए के बराबर होता है, ठीक है, इस तरह से ना कुछ प्रॉपर्टी दी गई हैं, ये सारी प्रॉपर्टी उसी तरह के सेम दी गई है एंड गेट की, तो उसने आपने देखना है, और ये एक टेबल है वो आप लोगों ने याद कर लेना है, विच इज़ द ऑफ द नंबर्स ऑफ इज नॉट रिप्रेजेंटिव हैज़ अ डेसिमल सिस्टम, तो ये जो है नहीं रिप्रेजेंटिव होता है, ये इसको नहीं रिप्रेजेंट करता है नंबर को, तो हैज़ अ डेसिमल सिस्टम के अंदर, तो डी ई एफ एच इसका आंसर है, वो देखना है, लेक्चर नंबर टू आप चेक कर सकते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग्स नॉट वैलिड रूल्स बुलियन अलजबरा के अंदर, वैलिड जो है नहीं जो रूल है, तो वो क्या है, ए इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट है, वो वैलिड रूल नहीं है, तो इस लेक्चर नंबर टू के अंदर इसको देख सकते हैं, ये तरतीब इस दिए हुए हैं, जितने भी लेक्चर नंबर टू के अंदर MCQs आए हैं वो हमने इकट्ठे किए, उसके बाद जो भी थ्री के अंदर आए, इन दिस बाइनरी नंबर्स 1001 विड्थ है ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज 2 की पावर 4 है, ठीक है, तो कितनी 2 की पावर 4 आपका आंसर, ठीक है, लेक्चर नंबर टू के अंदर आप इसको देखेंगे।
द बाइनरी वैल्यू आप लोगों की 101 01 11 0 इक्वलेंट्स डेसिमल, तो वो 36 होगी, 36 होगी, 37 नहीं, 38 नहीं, बल्कि 39 नहीं, 36 होगी। लेक्चर नंबर 2 के अंदर आप इसको देख सकते हैं, इसको वैल्यूएट कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप देखें फिर 2 का कंप्लीमेंट हेक्साडेसिमल डेसिमल्स नंबर्स बी 17 ए इज, ये आप लोगों के कोड होते हैं जो आप लोगों ने याद रखने होते हैं। तो फिर आप लोग इसको देखेंगे तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपको ये सोल्यूशन मिलेगा। तो लिहाजा क्या है, 48F6 इसका आंसर है। इसके बाद अगर देखें डू का कम्प्लीमेंट्स ऑफ द 5, तो जब इसका आप लोगों ने कम्प्लीमेंट्स देखना है तो 5 के अंदर, तो फिर आपका कम्प्लीमेंट आपको मिलेगा 5 नंबर पे ऊपर, तो आपका डू का कम्प्लीमेंट मिलेगा 0101 आपको कॉम्प्लीमेंट, मतलब सॉरी, इसका जो आगे जो इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। लेक्चर नंबर 2 भी देख सकते हैं। इसके बाद 13 MCQs, 4 बिट्स कॉम्प्लीमेंट्स, 4 बिट्स का कॉम्प्लीमेंट्स हमने देखना है। ये देखिए, आपने सारे कॉम्प्लीमेंट्स याद कर लेने हैं, बार बार आ रहे हैं। -7 कॉम्प्लीमेंट्स, तो रिप्रेजेंटेशन किस पे हो रहा है 4 का। तो फिर इसके बाद आप लोगों का आएगा 011, सॉरी 1001 आप लोगों का। लेक्चर नंबर 2 के अंदर आप लोग इसको देखेंगे, करेक्ट द सॉल्यूशंस 3, यानी कि आपका लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। उसके बाद द वैल्यू ऑफ द एक्सीडेड स्पेसिफाइड रेंज कैन नॉट बी करेक्टली रिप्रेजेंटेटेड, ठीक है। तो हमने इसके अंदर देखना है, तो एस, तो इसमें ओवरफ्लो, ये बड़ा एमसीक्यूस आ रहा है, इसको आप लोगों ने अपनी नज़र में लेना है। ये लेक्चर नंबर 3 के अंदर आपका एमसीक्यूस मौजूद है। उसके बाद इफ इस मल्टीप्लाई, देखें आपके एमसीक्यूस जो है ना, 14 MCQs आपके लेक्चर नंबर 2 से हमने निकाले थे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूस, उसको करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई क्या है, 722 एंड 34 रिप्रेजेंटिंग दैम इज फ्लोटिंग्स बाय द फर्स्ट कन्वर्टिंग दैम इज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशंस द मल्टीप्लाइंग्स दैम इज ऑफ द रिजल्ट विल बी। तो इसका आप लोग रिजल्ट देखेंगे, लेक्चर नंबर 3 के अंदर जाएं तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। 24 पॉइंट्स 582 आपको रिजल्ट मिलेगा वहां से। उसके बाद दी आउटपुट्स और एक्सप्रेशंस एफ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी विल बी लॉजिक, तो आप लोगों की एक लॉजिक बताई गई है लॉजिक गेट के मुताबिक। उसके बाद आप लोगों का ए, उन्होंने कहा है कि आपका 0 के बराबर है, बी इसके बराबर और सी इक्वल टू इसके बराबर है। तो आप इसके अंदर आप लोग प्लस करें तो क्या आएगा, देखें 0 को प्लस करते हैं 1 के अंदर, क्या आएगा आपका 0 प्लस 1 1, ठीक है, यानी 0 प्लस 1 1 1 1 1, इस तरह से आपकी आप लॉजिकली देखेंगे और गेट के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी 0। देखिए ये भी हो जाता है 0 1 0 0 1 1, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी लॉजिक लेक्चर नंबर 2 के अंदर आप देखेंगे। इसके बाद अगर करेक्ट सॉल्यूशंस इफ द एट, आप लोगों को पहले भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर चुका हूँ, 723 एंड 134 बाय द रिप्रेजेंटिंग्स एंड द फ्लोटिंग्स पॉइंट्स, ठीक है, एक रेशियो दी गई है आप लोगों को बताने के लिए। और फर्स्ट इज द कन्वर्टिंग देम इज द फ्लोटिंग्स पॉइंट्स रिप्रेजेंटेशन, एडिंग्स देम इज द वैल्यू, एक्सपेंड ऑफ द रिजल्ट्स विल बी 2 पे रिजल्ट इसका आएगा। और लेक्चर नंबर आप लोग 3 देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का देखें 18 पे आ गए हैं, तो इन दिस ASI कोड जो है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स जो इसकी जो आप लोगों ने बतानी है, इज द रिप्रेजेंटिंग बाय डैश बिट्स, तो आप लोगों की क्या इसके अंदर आएगी 23 बिट्स। लेक्चर नंबर आप लोग 3 देखेंगे, ठीक है, 23 बिट्स आपको मिलेगा, जी ठीक हो गया। उसके बाद आप लोग देखेंगे ABCD सेगमेंट डिकोडर हैज, तो फॉर इसके पास इनपुट है और आप लोगों की 7 आउटपुट होंगी, ठीक है।
लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम देखेंगे। उसके बाद क्या है 20 वाला, द डेसिमल्स 8 इज द रिप्रेजेंटेड एज, डेसिमल जो 8 है हमारा तो रिप्रेजेंटिंग जो करना है हमने एज 8 यूजिंग द जी आर ए वाई कोड के अंदर। तो 1100 आपका आएगा, लेक्चर नंबर 4 देखेंगे आप। उसके बाद एंड ए एन आप लोगों का माइनस ए एन ए एन डी गेट्स आउटपुट्स इज लो इफ, तो आल इनपुट आर द हाई, आल इनपुट आर हाई होंगी। लेक्चर नंबर 5 के अंदर आप इसको देखेंगे, एन ओ आर गेट इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस, एंड गेट्स और गेट्स नॉट गेट्स तो फॉल्स है इसका ऑपरेशन, अगर वो कहते हैं ये एन गेट का सारा इसके साथ ऑपरेशन होता है नो ये फॉल्स है। लेक्चर नंबर 5 के अंदर आप जाके देख सकते हैं इसको। नॉर गेट्स इज फॉरवर्ड्स बाय कनेक्टिंग, तो किसके साथ होता है नॉर गेट, तो वो कनेक्टिंग होता है एंड गेट के साथ और गेट के साथ नॉर गेट, यानी तीन गेट है ये फंडामेंटल गेट है, आप लोगों ने याद रखनी है। फंडामेंटल गेट कौन से हैं, फंडामेंटल गेट आपके जो हैं वो एंड गेट और गेट्स और नॉर गेट है, ये आपसे पूछेगा भी ठीक है। एंड गेट परफॉर्म द लॉजिकली फंक्शन, तो मल्टीप्लिकेशन आपका आएगा ठीक है, तो लॉजिकली तौर पे इसमें मल्टीप्लिकेशन होती है परफॉर्म करता है किस में, मल्टीप्लिकेशन में। लेक्चर नंबर 5 देखेंगे, दी एक्सटेंडेड ASCII कोड यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन, ये आप लोगों ने याद करना है, इसका स्टैंड फॉर काफ़ी दफ़ा आता है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको याद कर लेना इस एक कोड। तो ये 8 बिट का होता है, कितने बिट का, 8 बिट का होता है। तो इसके बाद अगर आप नीचे आएँ तो और गेट्स इज परफॉर्म बुलियंस, तो और गेट के अंदर हमें बुलियन प्रॉपर्टी देखें, बुलियन के ऊपर जाएं तो फिर एडिशंस होते हैं हमारे, सम होते हैं, तो ये लेक्चर नंबर 5 के अंदर आपको मिलेगा सारा कुछ इसके बारे में। द आउटपुट ऑफ द एंड गेट्स वन व्हेन, तो ऑल ऑफ द गिवन इसके अंदर ऑप्शन ठीक है, इनपुट के अंदर ऑल ऑफ द आउटपुट्स वन ठीक है, ये तमाम जो है आप लोगों का ऑल ऑफ द, ये इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो लेक्चर नंबर 5 के अंदर आप देख ले सकते हैं इसको। ए और गेट्स गेट्स आउटपुट्स हाई, तो फिर क्या है, तो आल इनपुट्स इज लो, अब देखें इसमें आल इनपुट इज वन थी, इसमें आल इनपुट्स इज लो हो जाएंगी किसमें, नॉर गेट में, आगे मैंने आप लोगों को बताया था तो आल इनपुट जो हैं वो हाई हो जाएंगी, ये देखें इनपुट्स आर हाई, तो किसमें हुई हैं आप लोगों की, एन क्या एन ए डी गेट के अंदर हुई है लो के अंदर ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग देखेंगे जब ये यहाँ पे जब हाई हुई हैं तो लो हो गई हैं, तो जब लो हुई हैं तो वो हाई हो गई थी, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसी तरह से देखें वन एडवांटेज टी टी एल हैज़ ओवर्स सी ओ एम एस दैट टी टी एल इज, तो इसका अगर देखेंगे तो नॉट सेंटेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्ट्रिक्ट चार्ज, इसका आंसर जो है वो ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट की तरफ आ जाएं आप लोग, फन आउटपुट यानी फैन है आउटपुट स्पेसिफाइड टर्म ऑफ, तो लेक्चर नंबर 6 आप लोगों ने देख लिया, अब लेक्चर नंबर 7 के अंदर जितने MCQs हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो इसका आता है यूनिट लोड्स आपका आएगा आंसर, लेक्चर नंबर 7 आप देखेंगे तो। इसके बाद आप लोगों का जनरल तौर पे अगर देखें पावर जो है आप लोगों की ऑफ द डिवाइस रिमेंस कौन आप लोगों का कॉन्स्टेंट्स थॉट आउट्स देयर द ऑपरेशन, तो TTL आप लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 7 के अंदर डिस्कस किया गया इसको, तो वहाँ से आप लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको आंसर बिल्कुल आसानी से मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट नीचे की तरफ देखें तो वन विच इज़ द ट्रू, इसमें कौन सी ट्रू है, तो आप लोगों ने इसमें गौर से पढ़ना है, पावर ऑफ द टी टी एल्स हाई देन टू द सी एम ओ एस आपका ठीक है। आप लोगों ने अगर दूसरा देखें तो इसके अंदर आप लोगों को चेंज है, पहले टी टी एल आ रहा है और हाई देन इससे हाई है सी एम ओ एस से ठीक है,
और दूसरी की तरफ देखें तो ये पहले COMS है और हाई है TTL की तरफ, और दूसरा भी इसके साथ इसका कम्बिनेशन नहीं बना लेक्चर नंबर 7 के, आप जाके डिस्कस कर। जी डी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे आपके सामने जो है वो है क्विज नंबर 33। हमने देख लिया, बल्कि 33 हम करेंगे। माइनस 3.3 VCMOS सीरीज करेक्टराइज्ड बाय एंड डैश एंड द कंपेयर टू द 5 वोल्टेज, यानी कि 5V है और CMOS सीरीज के साथ। तो इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो आएगा फर्स्ट स्विचिंग स्पीड्स वेरी लो पावर्स। तो इसका आंसर जो है वो सी ठीक है, लेक्चर नंबर 7 के अंदर आप देखेंगे। इसी तरह से 8 बिट्स पैरलर्स डाटा कन्वर्ट इनटू द सीरियल डाटा, जब पैरलर से सीरियल की तरफ डाटा जाता है तो, और मल्टीप्लिक्सर होता है तो किस में होगा, 8 to 1 के अंदर। 8 to 1 के अंदर आपका आंसर आएगा, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ए लॉजिकली सर्किट्स विद आउटपुट, यानी कि विद एन आउटपुट जो है x=1 है और सी बी है और बी प्लस ए बार कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर 2 गेट्स आएंगे। तो इसके अंदर 2 गेट्स और 1 और जो आप लोगों का है और इंटरवल्स हैं, ठीक है, 2 इंटरवल हैं, 1 और गेट है और 2 इसके साथ इंटरवल हैं। तो लेक्चर नंबर 8 के अंदर आप डिस्कस इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह से दी बुलियन एक्सप्रेशंस ये आप लोगों की दी गई है, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, जरब हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट टर्म के अंदर आएंगे। इसको हम जो है प्रोडक्ट टर्म के अंदर देखेंगे। इसी के बाद अगर हम जी इसके बाद हम नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। उसके बाद असल में ये माइक को कोई प्रॉब्लम है जो सेल जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और जिसकी वजह से ये ना मुझे रिकॉर्डिंग हाफ में छोड़नी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद दी बुलियन एक्सप्रेशन x=a and b + c d रिप्रेजेंट करता है, तो 2 गेट्स, ठीक है, ऑर्डर किस पे करेगा, 2 एंड अदर्स पे, ठीक है। लेक्चर नंबर जो 8 देखेंगे आप, दी एक्सप्रेशन डैश इज द एग्जाम्पल कम्युनिकेटिव लॉ एंड मल्टीप्लिकेशन, तो आप लोगों को देखेंगे कम्युनिकेटिव लॉ के अंदर a=b and b = a के आता है। लेक्चर नंबर 8 देखेंगे, इसके अंदर आपको ये सलूशन मिलेगा। इसी तरह हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब देखें मैं आप लोगों को इसकी प्रिपरेशन नहीं करवाऊंगा, मैं आप लोगों को इस तरह से फाइल अपडेट कर देता हूँ और शॉर्ट सा म्यूज़िक जो है वो मैं चला देता हूँ, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि सेल जो माइक के ख़त्म हो गए हैं और जो है कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट प्रिपरेशन जो है नहीं करवा पाऊँगा, सेल नहीं है तो आप लोगों को पता है कि फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल पैदा हो सकती है। Thank you.
Thank you.
Thank you.